हे दोस्तों, कैसे हो? हाँ, पता है बहुत रात हो गई है, लेकिन या सारा दिन कुछ टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिजी था, है तो इसलिए रात को सोचा चलो वीडियो कंप्लीट करते ही है। मैं थोड़ा सा एडिटिंग बाकी था और उसी के लिए चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर आयरन मैन पार्ट 7। ओके, अभी नहीं, सिर्फ थोड़ी देर बाद, क्योंकि उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे मैं उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इन वॉइस दूंगा, कमेंट्स में कुछ नहीं कहूँगा। तो या आई थिंक इट विल बी फन बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 7। और एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं मार्क 2, मतलब जो पुराना वाला आयरन मैन का आर्मर था, वो अभी बोल रहा है टोनी स्टार्क को कि टोनी स्टार्क ने अभी जो किया है उसके लिए वो थोड़ा सा निराश है। तो टोनी स्टार्क बोलता है, अभी मतलब टोनी स्टार्क को समझ में आ गया है कि ऑलमोस्ट वो अज्यूम कर सकता है क्या हुआ था 8 साल पहले। टोनी स्टार्क ब्लैक लामा से फाइट करने के बाद उसके दिमाग के अंदर जो इफेक्ट हुआ था, तो उसके बाद वो अपने लिए एक कंटीजेंसी प्लान बना चुका था और वो कंटीजेंसी प्लान का हिस्सा था ये मार्क 2। वो मार्क 2 के इस आर्मर के अंदर अपना ही पूरा कॉन्शियसनेस अंदर दे दिया था उसके मार्क 2 आर्मर के अंदर, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये वाला कॉन्शियसनेस, मतलब मार्क 2 आर्मर आके टोनी स्टार्क को रोकेगा। और टोनी स्टार्क अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने वाला हो तो ये मार्क 2 टोनी स्टार्क को रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर टोनी स्टार्क की तरह ही थॉट प्रोसेस रहेगा। लेकिन अभी वही मार्क 2 इसीलिए अभी सब लोगों के सामने आ गया है और टोनी स्टार्क को बोलता है अगर टोनी स्टार्क के अंदर जो प्रॉब्लम अभी हुआ है वो अगर नॉर्मल ठीक नहीं हुआ तो वो टोनी स्टार्क के दिमाग के अंदर जाएगा और उसे ठीक करेगा, और अगर ये ठीक नहीं कर पाया तो वो टोनी स्टार्क को रिप्लेस कर देगा अपने आप से। लेकिन तभी ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगता है और तभी टोनी स्टार्क बोलता है ये मेरा सूट मुझे ढूंढते हुए आ रहा है और ये साउंड है तुम्हारे एक्सटिंक्शन का। और तभी हम लोग देखते हैं एलिवेटर के डोर पे टोनी स्टार्क का सिम्बायर वाला आर्मर बहुत ही पंचेस मारते रहता है, उसको तोड़ते रहता है। लेकिन मार्क 2 और पेपर का प्लान के लिए, मतलब ये प्लान में ये हिस्सा भी था, वो लोग ऑलरेडी सोच के रखे थे अगर उसका आर्मर इधर आ गया तो क्या होगा। और तभी मार्क 2 आर्मर सारे हिस्सों में बट जाता है और वो आके टोनी स्टार्क के ऊपर चिपक जाता है और टोनी स्टार्क को सूट अप कर लेता है मार्क 2 आर्मर में। तभी टोनी स्टार्क ये प्लान को समझ गया था थोड़ा सा, क्योंकि अभी सिम्बायट वाला आर्मर उसके ऊपर आके चढ़ नहीं पाएगा। और ये मार्क 2 का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी था, ये उन लोगों ने, टोनी स्टार्क ने कभी भी नहीं सोचा था कि मार्क 2 इतना कुछ कर लेगा। और तभी मार्क 2 टोनी स्टार्क को लेके उड़ जाता है लिफ्ट की ओर और वो लिफ्ट का ऊपर वाला ढक्कन तोड़ के निकल जाता है सीधा ऊपर की तरफ। और ऊपर से ही टोनी स्टार्क का सिम्बायट वाला आर्मर, जो आयरन मैन सुपीरियर आयरन मैन वाला आर्मर आ रहा था, और उसके ऊपर वो यूनिब्लस्ट से, रिपल्सर ब्लस्ट से, मतलब ब्लास्ट कर देता है और रिसाइलेंट जो कंपनी का छत को फाड़ के ऊपर की ओर उड़ जाता है। लेकिन टोनी स्टार्क का सिम्बायट वाला आर्मर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसके पीछे पीछे उड़ना चालू कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं मार्क 2 सीधा स्पेस की तरफ जा रहा है। लेकिन टोनी स्टार्क तब मार्क 2 को, मतलब चेतावनी देता है ये आर्मर स्पेस के लिए नहीं बना है, ये आर्मर स्पेस में उड़ नहीं पाता था। तो मार्क 2 बोलता है हाँ, ये आर्मर स्पेस के लिए नहीं बना था लेकिन मैंने इसमें कुछ अपग्रेड किया है और ये, इसका मतलब अभी ये स्पेस में भी उड़ सकता है और इसको पता है इसे क्या क्या करना चाहिए। तो टोनी स्टार्क ये बातें सुन के थोड़ा चौंक जाता है और टोनी स्टार्क का सिम्बायट आर्मर वो मार्क 2 के पीछे आके उसके पैर पे जकड़ जाता है। लेकिन तभी मार्क 2 बोलता है टोनी स्टार्क तुम्हारे सिम्बायट वाले आर्मर में शायद तुम्हारे इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसे ये पता नहीं कि उसके आर्मर जो है उसका जेट्स ऑक्सीजन के बिना नहीं चलता है और स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वो उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका जेट्स काम नहीं कर पाएगा। तो तभी मार्क 2 उसके ऊपर पूरा अटैक करने के बाद उधर से निकल जाता है और टोनी स्टार्क का सिम्बायट वाला आर्मर कुछ भी नहीं कर पाता है। और उस तरफ हम लोग देखते हैं कि पेपर पॉट्स अभी टीन अबोमिनेशन को, मतलब जेमी को, एक कंटेनमेंट फील्ड में जकड़ के रखा है और पेपर पॉट्स बोलती है कि देखो मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं है मेरा और मैं तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा भी नहीं करना चाहती।
लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम झगड़ा नहीं करोगे, धीरे धीमे से बात करोगे, तो मैं तुम्हें ये कंटेनमेंट फील्ड के बाहर आने दूंगा। तो जेमी वही बोलता है कि वो ऐसा ही करेगा, तो पेपर पॉट उसे छोड़ देती है और बोलती है, देखो मैं टोनी स्टार्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम है, मैं जो टोनी स्टार्क के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वो टोनी स्टार्क नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में भी पूरी बात जानता हूँ, लेकिन तुम जिसको टोनी स्टार्क समझ रहे हो, वो एक्चुअल में टोनी स्टार्क नहीं है, वो कुछ बदल चुका है, और ये मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं पहचानता। तो टीन अबोमिनेशन बोलता है कि अभी टोनी स्टार्क कहाँ पे है, तो हम लोगों को पता चलता है वो एक्चुअली रिसाइलेंट कंपनी के सैटेलाइट पे टोनी स्टार्क है, और मार्क टू टोनी स्टार्क को उधर एक चेयर में बांध के उसके ऊपर अभी रिसर्च चलाने वाला है। एक्चुअल में वो उसके दिमाग में घुसने वाला है, और उसके दिमाग में घुस के वो जो प्रॉब्लम हुआ है X7 के बाद टोनी स्टार्क के, वो वाले प्रॉब्लम को अंडू करना चाहता है। और अगर वो प्रॉब्लम अंडू नहीं हुआ, तो वो टोनी स्टार्क का कॉन्शसनेस, 8 साल पुराने जो कॉन्शसनेस ये आर्मर, मतलब टोनी स्टार्क का मार्क टू में है, वो कॉन्शसनेस से रिप्लेस कर देगा। और एक्चुअल में तभी पेपर पॉट्स भी ये देख रही होती है लाइव स्ट्रीमिंग में उधर से, तो टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को थोड़ा सा कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता है, और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, ये तो पुराना टोनी स्टार्क है, और एक्चुअल में इसके पास जो कॉन्शसनेस है, तुम उसके ऊपर क्यों भरोसा कर रही हो इतना ज़्यादा। लेकिन तभी मार्क टू वो सिग्नल डिस्कनेक्ट कर देता है और बोलता है कि पेपर पॉट्स को इससे ज़्यादा कुछ भी इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो टोनी स्टार्क इससे थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और जब मार्क टू पूछता है कि तुमने कौन सा सीक्रेट फार्मूला वो 200 बिलियन डॉलर के अगेंस्ट भेज दिया है, वो बताओ, तो टोनी स्टार्क बोलता है, नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, और ये सारे सीक्रेट्स मेरे साथ ही रहेंगे, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम लोगों को पता चलता है कि टोनी स्टार्क अपना शातिर दिमाग यूज़ करना चालू कर दिया है। वो मार्क टू को बोलता है, देखो तुम तो मुझे ऐसे ही बदलने वाले हो, तो चलो मेरे दिमाग में घुस के अभी तुम क्या क्या कर सकते हो वो देखो, और मैंने ये 8 साल में क्या तजुर्बा इकट्ठा किया है वो भी देखो। तो मार्क टू वो करने के लिए थोड़ा बिजी हो जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क का सुपीरियर आयरन वाला सिम्बियॉट आर्मर का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा मार्क टू के आर्मर के अंदर घुस जाता है। वो किसी भी तरह एक्चुअल में उस स्पेस में सरवाइव कर चुका था, और वो उसके अंदर आ चुका था। तो अभी टोनी स्टार्क के दिमाग के अंदर टोनी स्टार्क का पुराना 8 साल वाला पुराना टोनी स्टार्क भी उसके दिमाग के अंदर है, और एक टोनी स्टार्क पुराने टोनी स्टार्क को बोल रहा है, देखो मैंने कितना एडवांटेज किया है, 8 साल में कितना कुछ प्रोग्रेस किया है, तुम अपने वही पुराने मूंछ के साथ ये तो देख ही सकते हो, तुम भी नहीं बदले और तुम भी इस बात को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन तभी मार्क टू बोलता है, तुम जो भी चेंज कर रहे हो ये किस लिए? तो टोनी स्टार्क एक्चुअल में उसको अपना विजन बताता है, वो एक्चुअल में बताता है कि साइंस के लिए अभी दुनिया का अंत होने वाला है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इतना घटना घट चुका है कि दुनिया का संतुलन बिगड़ चुका है, तो इसीलिए मैं जो जो टेक्नोलॉजी निकाल रहा हूँ, इससे एटलीस्ट दुनिया के एक एक भाग लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि वो लोग अपने आप को डिफेंस कर सकेंगे, लेकिन इसका मतलब बाकी हिस्से के लोग मारे जाएंगे और वो अपना डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो पुराना 8 साल पुराना मार्क टू वाला टोनी स्टार्क बोलता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है, देखो तुम तो मेरे साथ इसी में बिजी थे, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर वार्मिंग कर चुका हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि मार्क टू का आर्मर टूटने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो सिम्बायट वाला आर्मर था सुपीरियर आयरन मैन का, वो मार्क टू आर्मर को पूरा शॉक कर देता है और उसको बिगाड़ देता है, और वो सिम्बायट वाला आर्मर आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क के हाथ में आके चिपक जाता है, और टोनी स्टार्क आसानी से वो कब्जों में जो जो चेयर में बंधा हुआ था उससे निकल जाता है, और मार्क टू का मास्क को लेके अपने ही फेस में लगा के बोलता है, आई थिंक इट्स टाइम पेपर एंड आई हैड ए टॉक। तो इसी के साथ एपिसोड 7 ख़त्म होता है। फू, ये स्टोरी मस्त है। तो गाइज, आप लोगों ने कैसे इन्जॉय किया ये कॉमेंट्स में सेक्शन में बताइए।
और ये हो भी सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ लोगों को शायद पसंद आएगा और कुछ लोगों को उतना नहीं पसंद आएगा। वो लोग भी ऑब्वियसली कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कैसे आप लोगों को मतलब एंटरटेन करना है या फिर कैसे बनाया तो सब लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, वही मेरा मोटो है, वही आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। और गाइस मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरा तबीयत कैसा है ये पूछे हैं, और ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मेरा तबीयत भी बहुत अच्छा हो गया है अभी। तो एनीवे मैंने जैसे बताया, ये कमेंट्स का रिप्लाई, इस वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई मैं कमेंट्स में नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑडियो में दूंगा। तो या गुड बाय गाइस, अभी के लिए अलविदा।